प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और मेरे आपसे एक निवेदन रहेगा कि आपके जीवन में भी जिसने भी आपको मार्गदर्शन दिया है, सब प्रेरणा दी है, उसमें सबसे प्रमुख है आपके माता पिता, उसके बाद आपके जो परिवारजन हैं, भाई बंधु हैं, उसके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, जो आपको सही दिशा पर आपको प्रेरित करते हैं, सहपाठी हो सकते हैं आपके, और जो शिक्षक हैं, जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं हमारे जैसे, उन सबका आपको सम्मान करना चाहिए और वो सम्मान हृदय से करना चाहिए। तो इसी के साथ आप सब उनका सम्मान कीजिए। आज जो अपन इस महत्वपूर्ण क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं वो तैमूर के आक्रमण, 1398-99 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ और उसके क्या प्रभाव रहे। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहे हैं, उसने भारत की राजनीतिक जो दशा दिशा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किए, और उसमें प्रारंभ में हिंदुनानियों का आक्रमण, फिर हूणों का आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था, 1399 से लेकर 1027 तक मोहम्मद गजनवी के जो 17 सफल भारत पर आक्रमण थे, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फिर 1398 में तैमूर का आक्रमण जिसने दिल्ली सल्तनत को कमजोर किया, 1526 में बाबर का महत्वपूर्ण आक्रमण जिसने एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, और वो साम्राज्य की आज भी भारत में बहुत अधिक प्रासंगिकता है, वो है मुगल साम्राज्य। 1738 में नादिर शाह का आक्रमण जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर किया और भारत में एक नवीन शासन व्यवस्था जो आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के नेतृत्व में बनने जा रही थी उसके मार्ग को सीमित मात्रा में प्रशस्त करने की कोशिश किया। कहने का मतलब कुछ आक्रमण ऐसे हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक रूप से भारत के भविष्य को परिवर्तित किया है। 1398-99 में एक महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ जो तैमूर के आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तैमूर कौन था? तैमूर एक मध्य एशियाई सैन्य कमांडर या विजेता कह सकते थे। इतिहास में वो अपने पैर के विकलांग होने के कारण वो तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्ध है। उसका साम्राज्य उत्तर में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, फारस, सीरिया, कुर्दिस्तान, बगदाद, जॉर्जिया, दक्षिणी रूस, भारत और एशिया माइनर जैसे विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, और बहुत जगहों पर उसने आर्थिक लूट भी की। उस आक्रमण के क्या कारण रहे, उन कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण था तैमूर की महत्वाकांक्षा। तैमूर एक महत्वाकांक्षी विजेता था और वो चाहता था कि जिस प्रकार से चंगेज खान ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसी विशाल साम्राज्य की स्थापना उसके नेतृत्व में भी हुई, तो ये उसके साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा भी इसके कारण था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारत की धन संपदा। हर आक्रमणकारी जो हुआ विशेष रूप से प्राचीन काल और मध्य काल में, और इवन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आती है तो उसके पीछे भी आर्थिक कारण ही रहा है, क्योंकि वो व्यापारी कंपनी थी और उसके बाद में उसने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। लेकिन यहाँ पर भी मोहम्मद गजनवी को देख लीजिए और उसके बाद तैमूर भारत की अथा जो संपत्ति थी उस संपत्ति का गहन करके वो फिर उन संसाधनों को कहाँ प्रयोग करना चाह रहा था, मध्य एशिया के अपने साम्राज्यवादी मनसूबों को पूर्ण करने के लिए। तो आर्थिक संसाधन किसी न किसी रूप से इस आक्रमण के कारण हुए। इस्लाम का प्रचार एक कारण ये भी था, यद्यपि जो मूल कारण थे वो राजनीतिक और आर्थिक थे, लेकिन हर इस्लामिक जो आक्रांता था उसके भारत में आक्रमण या आखिर देश के में आक्रमण का एक कारण इस्लाम का प्रचार था, क्योंकि इन राजनीतिक आक्रांताओं को जो खलीफा की वैधता थी, वो खलीफा जो उनका धार्मिक सर्वेसर्वा था उसकी वैधानिक स्वीकृति तब मिलती थी जब वो इस्लाम के प्रचार के लिए कार्य किए, तो एक कारण ये भी था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था या इसको आकर्षित किया वो भारत की अस्थिर राजनीति। जब जब जिस समय भी भारत की राजनीति अस्थिर हुई, बाह्य आक्रमणकारी हमेशा भारत में प्रवेश किया। 200 ईसा पूर्व से लेकर जो 300 ईस्वी का समय है, इन 500 वर्षों में मुगल मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के विशाल साम्राज्य, स्थिर विशाल साम्राज्य के बीच का पीरियड है जहाँ राजनीति
जैसा अस्थिरता का दौर था वहां पर भी हिंदी सब कुशाण एक के बाद एक बाह्य जाति आई और भारत में आक्रमण किया। हर्षवर्धन के बाद पूर्व मध्यकालीन जो स्थिति थी उत्तर भारत की राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। कन्नौज के प्रश्न ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को अस्थिर कर दिया था। ऐसी स्थिति में एक के बाद एक उत्तर पूर्व से भारत में आक्रमण हुए, उसमें मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण भी था। फिर हम देखते हैं तैमूर दिल्ली मोहम्मद तुगलक के विशाल साम्राज्य के बाद का जो पीरियड है उसमें तैमूर का आक्रमण हुआ, बाबर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के बाद के पीरियड के में अस्थिर राजनीति के दौर में हुआ जहाँ क्षेत्रीय राज्य उद्भव हुए थे, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी इसी का दौर था। इवन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे भी अस्थिर राजनीतिक दशा का कारण रहा है। तो इन सब कारणों से भारत में तैमूर के आक्रमण की दशा दिशा को तय किया। 1398 में उसने भारत में आक्रमण किया, उसका जो मेन फोकस था वो दिल्ली था और दिल्ली का जो सुल्तान था तुगलक वंश का मोहम्मद शाह उसने दिल्ली को छोड़ के चला गया। वहाँ पर तैमूर ने बहुत अधिक मात्रा में नरसंहार किया। उसने लिखा भी एक इतिहासकार ने दुखी शहर को रक्तपात बर्बाद और विनाश की जगह में बदल दिया, यानी कुल मिलाकर वहाँ बहुत अधिक मात्रा में विनाश किया। उसके साथ साथ आर्थिक संसाधनों को बहुत अधिक मात्रा में लूटा गया। तो तैमूर का आक्रमण एक भयंकर विनाशवादी गतिविधियों को लिए हुए। इस आक्रमण का जो पीरियड है वो बड़ा शॉर्ट रहा, लेकिन इसके प्रभाव है वो प्रभाव बहुत अधिक महत्व में रहा है और उसमें सबसे प्रमुख है सांस्कृतिक प्रभाव। तैमूर ने भारतीय कला का विनाश कर दिया, बहुत सारे जो कला के प्रतिपादित प्रतीक थे उनको उसने तोड़ दिया, विशेष रूप से स्थापत्य कला के क्षेत्र में। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये कह दिया कि भारतीय कलाकारों को वो लेकर मध्य एशिया में चला गया और वहाँ पर भारतीय कला के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में इमारतों का निर्माण किया गया। आर्थिक प्रभाव जैसा कि अपन देखते हैं कि इसका जो एक कारण आर्थिक कारण था, तो उसने भारतीय जो आर्थिक संसाधन थे उनको दोहन किया गया, संपत्ति को नष्ट किया और उन संपत्ति को लेकर वो मध्य एशिया में चला गया। तो आने वाले समय में आर्थिक रूप से भारत के लिए बहुत ही भयंकर साबित हुए। राजनीतिक प्रभाव, हर आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव होता है और इस आक्रमण की ओर तुगलक वंश की लगभग इसके बाद सत्ता समाप्त हुई। न केवल तुगलक वंश की बल्कि दिल्ली सल्तनत का जो नींव थी उस नींव को उसने कमजोर कर दिया। जो सल्तनत खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में संपूर्ण भारत में विस्तृत थी उसको सीमित मात्रा में उत्तरी भारत तक सीमित कर दिया गया। और अपन ये कह सकते थे कि उत्तरी भारत और दिल्ली सल्तनत की जो सैनिक और राजनीतिक कमजोरियां थी उनको उजागर कर दिया गया और उसी का परिणाम हुआ कि 1526 में बाबर का आक्रमण हुआ, उसने एक नवीन साम्राज्य की भारत में स्थापना की। धार्मिक प्रभाव, चूंकि एक अप्रत्यक्ष रूप से इस जो आक्रमण था उस आक्रमण का कारण धार्मिक कारण भी रहा, इस्लाम का प्रचार भी रहा, तो इस्लाम का प्रचार हुआ इसके माध्यम से और उसके साथ साथ उसने कहीं जो दूसरे धर्म था हिंदू धर्म उसके जो प्रतीक थे उनको समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत भारतीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ और ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो ये आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।